हेलो प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे एकदम सेहतमंद होंगे ये मेरा सेकंड लास्ट ब्लॉग है वियतनाम से नेक्स्ट वीडियो में बस मैं आप लोगों के साथ अपनी रिटर्न जर्नी कुछ जो मैंने शॉपिंग की यहाँ से वो शेयर करूंगी और अभी मुझे इंडिया आए हुए हो गया है एक डेढ़ हफ्ता मन भी वापस से लग गया है इंडिया में बट मैंने वियतनाम में बहुत सारे वीडियोस बनाए थे तो अभी तक मैं आप लोगों के साथ वियतनाम के ही ब्लॉग्स शेयर कर रही हूँ इनफैक्ट कल मैं तिलकनगर गई थी घूमने वहां पे मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे देखा एंड शी वज लाइक प्रिया अभी तो आपके वियतनाम के ही व्लॉग्स चल रहे हैं आप इंडिया कब आए तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया काफी टाइम पहले आ चुकी हूँ अब भी हमारे घर में मई में, में शॉपिंग शादी है तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग थोड़े बहुत कपड़े स्टिचिंग वगैरह का काम चल रहा है मैंने सोचा बच्चों के लिए शूज ले लेती हूँ क्योंकि गोविंद के शूज मैंने नोटिस किया था फट रहे थे केशु के पास तो नए शूज थे बट देन गोविंद के लिए कुछ लें और केशु के लिए ना लें ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो रोना धोना स्टार्ट कर देता है फिर गोविंद के लिए तो मैंने लिए मुझे पसंद भी आ गए थे बट केशु के लिए उस दिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो अल्टीमेटली मैंने नहीं लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अपनी सारी वियतनाम की शॉपिंग जो मैंने थोड़ी बहुत की है अब चलते हैं नेक्स्ट डे के लंच की तरफ आज मैंने सोचा एक पनीर की रेसिपी बनाते हैं जो अंचल ने कुछ दिन पहले बनाई थी उसकी डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनी थी एक्सपेरिमेंटल सब्जी है यहाँ पे मैंने पनीर कट कर लिया अराउंड तीन सौ चार सौ ग्राम पनीर होगा थोड़े मोटे क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है इसे इसमें मैं थोड़ा ऑलिव ऑयल आल डाल के सारे जो हमारे रेगुलर के मसाले हैं ना वो डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी लाल मिर्च पाउडर धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला बस इसे अच्छे से मैरिनेट करके हाफ एन आवर के लिए मैं रख दूंगी पता है किचन में न, जिप में ना इन जैसे मसाले रखे हुए हैं काम करना इतना डिफिकल्ट था कभी कभी तो हैंडलिंग में ही आधा मसाला गिर जाता था एंड मुझे इतना ज्यादा ऐसे हो रहा था कि मैं थोड़े या तो डब्बे खरीद के मसाले ट्रांसफर कर दूँ बट देन वही होता है ना कि टेम्प्रेरी हाउस है पता नहीं एक महीना और रहना है या दो महीने और रहने या चार महीने और रहना है तो क्यों और इन्वेस्टमेंट की अल्टीमेटली तो हमें अपने घर शिकागो वापस जाना ही है तो बस इसी सोच की वजह से आज तक कोई भी ऐसे मसाला बॉक्स वगैरह हमने यहाँ पे नहीं लिया इन्वेस्टमेंट नहीं की भाई छोटी छोटी चीजें लेने में ना फिर धीरे धीरे आपके कॉस्ट इनकर होने लगते हैं और फिर एक पूरा फुल फ्लजेड घर बस जाता है तो वही चीज हमें नहीं करनी थी इसीलिए वही जो थोड़े बहुत चीजें आती हैं जैसे ड्राई फ्रूट के डब्बे आए वो खाली हो गए तो तो मैंने सोचा अब इनमें मैं अपने मसाले ट्रांसफर कर लेती हूँ और इनफैक्ट जब तक मैं वहां से निकल रही थी ना तब तक कुछ हमारे पास्ता सास के बॉटल्स भी खाली हो गए थे तो मैंने उसमें भी काफी सारा मसाला ट्रांसफर किया क्लिप भी बनाइए मैं आपके साथ किसी शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं ना जो भी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड चीजें होती है ना जैसे हमारे घर में साबूदाना बहुत बनता है सूजी के चीले या अपे वगैरह बहुत बनते हैं तो वो दोनों चीजें मैंने इस तरीके से इन बॉक्सेस में करके रख दी तो जो जो बॉक्सेस खाली होते जा रहे थे उसके हिसाब से मैं अपनी चीजें उनमें डाल के किचन को थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रही थी फ्यूचर डेज के लिए अंशिल के लिए तो यहाँ पे चलो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया किचन का अब बात करते हैं सब्जी की तो यहाँ पे मैंने पांच सात काजू गर्म पानी में भिगा दिया एक बड़ा व्हाइट कलर का प्याज लिया है थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक इन सबको मैं ब्लेंडर में डाल लूंगी मेरे पास ब्लेंडर नहीं है चॉपर है तो मैं बस अभी इसी से काम चलाऊंगी और एक कप मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है अच्छा जब मैं किचन में काम करती हूँ तो बच्चे अपना अपना कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कोई कलरिंग करता है कभी खेलते रहते हैं तो अभी गोविंद ने कुछ आर्ट वर्क किया है वो मुझे दिखाने आया था यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला पहले मैंने जो अभी मैरिनेशन बनाया था पनीर का उसको मैं अच्छे से सेक लूंगी और जैसा कि मैंने बोला अगर आपका बड़ा बच्चा है तो सेकेंड चाइल्ड ना आपका उसी को फॉलो करता है तो जो गोविंद करता है वही केशव करता है वो भी कुछ कलरिंग करके आया है और यहाँ पे पनीर सीखने के बाद मैं वापस से इसको उसी कंटेनर में ट्रांसफर कर लूंगी सेम ही पैन में मैं एक ही पैन में पूरी सब्जी बना लूंगी तो यहाँ पे घी में मैंने हींग जीरा ऐड किया और जो अभी मिक्सचर बनाया ना ब्लेंड किया उसको डाल दूंगी अभी इसमें दही है ना तो आप कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहिएगा वरना ये फट जाता है तो एकदम गैस लो करके मैंने पहले इसे डाला था उसके बाद हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाया अब मैं इसमें मसाले डालूंगी धनिया जीरा पाउडर गरम मसाला थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दी और अब इसे मैंने पूरा अच्छे से भूना देखो पूरा इसको ड्राई कर लिया अब इसके अंदर हम पानी ऐड

ये ना आजकल YouTube पे देख देख के बहुत अच्छी स्केचिंग करना सीख गया है इनफैक्ट जो मैंने वो आधा कृष्णा वाला फेस बनाया है ना वो गोविंद आपकी पेंटिंग से ही मैंने आइडिया लिया कि हम ये घर में लगा सकते हैं वेरी नाइस थैंक यू मम्मा ये इसने पहले भी बनाया था एक शीट पे इसने कलर करके लगाया हुआ है हमारे मंदिर में और ये आज इसने, इसने इसमें ऐड कर दिया राम जी की फोटो वेरी गुड वेरी नाइस पेपर और आजकल सीख रहा है ना काफी कुछ बनाता है आ, कल मैंने अभी बस दो ही चीजें एक बास्केटबॉल और एक फ्रॉक कल आपने फ्रॉक बनाया था बास्केटबॉल बनाया था और दो और चीजें थी बोट और प्लेन वो भी और गमी होती यस ही इज लर्निंग lot थ्रू यूट्यूब मतलब बहुत सारी वीडियोस देख के ही अपने आप पेंटिंग का कुछ कुछ बनाता रहता है ये एक और शाम है हम लोग आज होयन केम लेक आए थे रैंडमली प्लान बनाया और इस दिन में कोई व्लॉग भी नहीं बना रही थी तो एज सच मैंने आप लोगों के साथ होयन केम लेक का कोई व्लॉग शेयर नहीं किया बट इट इज सच अ हैपनिंग प्लेस आपको वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग मिलेंगे सारे फॉरेनर लोग मिलेंगे और स्पेशली ये स्टॉल्स मिलती हैं बहुत सारी लाइन से जहाँ पे पोर्ट्रेट बन रहे होते हैं बस ये देख के मेरा मन हो गया कि यार मैं भी अपने बच्चों का पोर्ट्रेट बनवाती दी हूँ एक मेमरी सी हो जाएगी इतने टाइम अंशल वियतनाम में रहे हम भी भी उनके पास आए घूमे और पता है लास्ट में भी आप इन्होंने ना इतना अच्छे से इसको लेमिनेट करके दिया मैं इसको ना पूरा फ्रेम करा के अपने साथ शिकागो लेके जाऊंगी मेरा बड़ा मन है मैं अपने बच्चों के रूम में इन दोनों का पोर्ट्रेट लगाऊंगी और बहुत अच्छा बनाया था वैसे तो पता है पोर्ट्रेट जैसी चीज ना बच्चों बनवाना इतना टफ होता है क्योंकि अराउंड फोर्टी फिफ्टी मिनट्स लगे थे बच्चों को एकदम स्टैटिक पोजिशन में बिठा के रखना वॉज अ टास्क बट येस काफी अच्छा बनाया काफी मतलब मुझे तो काफी ज्यादा सुंदर लगा ऑफकोर्स अगर हम बड़े हैं या किसी पिक्चर को देख के हम बनवाते तो और ज्यादा रियलिस्टिक लगता बट मुझे तो ये वाला भी बहुत अच्छा लगा अभी आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू तो नहीं दिखा पाई बट आप इसमें ही देख लो ऑफकोर्स जब शिकागो जाके रूम डेकोरेट करूंगी मैं अपने बच्चों का तब आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी और हाँ दोस्तों टॉकिंग अबाउट शिकागो बहुत लोग पूछते हैं प्रिया आप कब जाओगे आप परमानेंटली ट्रांसफर आपका हो गया है क्या ऐसा कुछ भी नहीं है वी विल बी बैक टू शिकागो हमारा वहां पे अपना घर है मैं काफी बार बता चुकी हूँ वो हमारा अपना घर है उसकी ई चल रही है वो सब कुछ वहां पे इंटैक्ट है हमारी कार्स है मतलब पूरा घर बसा हुआ है मेरा वहां पे मैं डेफिनेटली जाऊंगी यार जैसे आप लोग मेरे घर को मिस करते हो मैं भी बहुत मिस करती हूँ ऑनेस्टली बट uh, मेरे पेरेंट्स ने एक यही टीचिंग दी है कि जहाँ पर हो वहाँ पे खुश रहो क्योंकि ये टाइम कभी लौट के नहीं आता खैर मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने ना अंशुल के लिए थोड़ी बहुत मील प्रेप की है इधर में पता है अंशुल ना अपने लिए रोटी पराठा नहीं बनाते आप समझ सकते हो आटा गूंदना फिर इतना रोटी बनाने में इतना सारा सूखा आटा फैल जाता है तो उनको ना ये बहुत झंझट लगती है जब वो इनिशियली आए थे वियतनाम तब तो काफी कुछ करते थे मील प्रेप करके रखते थे पूरी वीक की बट अब वो सिंपल सी कोई सब्जी बनाते हैं चावल बनाते हैं दैट्स अबाउट इट तो मैंने कहा यार मैं फ्रोजन पराठे बना के चले जाती हूँ और जो यहां पे वियतनाम में इंडियन स्टोर पे फ्रोजन पराठे मिलते हैं ना वो बिल्कुल मैदा वाले होते हैं मैंने क्या किया आटे में जब मैं गूंथ रही थी तो थोड़ा सा अजवाइन डाला नमक डाला और थोड़ा सा घी डाला उससे लॉन्जेटिविटी बढ़ जाती है बस उसके बाद मैंने पराठे बेले पराठे के अंदर मैंने घी लगा दिया है और तवे पे ना इनको कच्चा पक्का ऐसा सा सेका है जिससे कि ये बस आपस में चिपके नहीं और मतलब स्मेल ना मारे अच्छे से इनको इंडिविजुअली मैं फूड पैकेट्स में इस तरीके से पैक कर रही हूँ और उसके बाद जिप लॉक में डाल के फ्रीजर में डाल दूंगी अभी ऑलमोस्ट मुझे दस दिन हो गए हैं वियतनाम से आए हुए स्टिल अंशुल इन पराठों को यूज कर रहे हैं एंड ही सेज कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पराठे निकाले फ्रीजर से गरम किया घी वगैरह लगा के और ऐसा लगता है एकदम फ्रेश पराठे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये so सो ये मील प्रेप तो एकदम थम्स अप हो गई हम लोगों के लिए Yesterday. दिस इज अनादर इवनिंग एक्चुअली हम लोगों के घर के पास ना एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा पार्क है हम लोग आए हैं इस पार्क में पहले भी बट होता क्या था स्टार्टिंग में ही ना यहाँ पे प्ले एरिया था बच्चों का तो हम वहीं पे बच्चों को झूला वगैरह करा के खिला के ले जाते थे बदन एक दिन मैंने सोचा यार इस पार्क के अंदर जाते हैं देखते हैं और क्या क्या है और जब हम अंदर आए तो हमने देखा यहाँ पे बहुत बड़ा स्केट्स ग्राउंड है जहाँ पे स्केट्स रेंट पे भी मिलते हैं तो बस फिर क्या था बच्चों को इंटरेस्ट आ गया स्पेशली गोविंद को तो स्केटिंग करनी ही थी और केशु को स्कूटर मिल गया तो बस दोनों बच्चे सेट हो गए तीन चार दिन हम लोग लगातार यहाँ पर आए उस बस गोविंद को तो स्केटिंग में इतना इंटरेस्ट आया उसने बोला कि आ, हम लोग शिकागो जब वापस जाएंगे तो मुझे स्केट्स लेके देना मैं वहां पे प्रॉपर क्लासेस लेके सीखूंगा इनफैक्ट जो रेंट कर रहे थे यहाँ पर उन्होंने थोड़ा उसको बताया कि, कि किस तरीके से चलाना है बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए बट यार हमने यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर गेयर नहीं है नीकफ एल्बो कफ हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं था बट येस वी थरली एंजॉयड आर वियतनाम स्टे आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड आर वियतनाम टूर थ्रू आर वीडियोज फिर से मुलाकात करते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो खुश रहो मुस्कुराते रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड लवली कॉमेंट्स आई नो कुछ कॉमेंट्स ऐसे आते हैं जो हर्टफुल होते हैं बट मोस्टली आई लव ऑल योर लवली कॉमेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय टेक केयर